दोस्तों, केला खाना तो लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप कभी आपने लाल केला देखा है? तो चलिए आज हम आपको लाल केले से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। उससे पहले केले से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, हर साल लगभग 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा केले खाए जाते हैं। केला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खेती बाड़ी उत्पादक है। नंबर दो, प्रति व्यक्ति केला खाने के मामले में अफ्रीका का युगांडा देश सबसे आगे है। नंबर तीन, केला किसी जगह पर डजन के हिसाब से मिलता है तो कहीं किलो के हिसाब से। भारत केले का उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है। नंबर चार, दोस्तों आपने हरे और पीले रंग के केले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज लाल रंग का केला देख लीजिए। इसे रेड डका के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में कुछ देशों में ही पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका स्वाद आम की तरह होता है, यह देखने में क्रीम की तरह होता है और मुलायम भी बहुत होता है। दोस्तों यह मीठा भी बहुत होता है। दोस्तों यह भारत में भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। इस केले में 110 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। दोस्तों भारत में यह लगभग 20 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिलता है। नंबर पाँच, केला 12 महीने मिलने वाला और सस्ता फल होने के साथ साथ काफ़ी पौष्टिक फल भी है। भूख लगने पर सिर्फ केला खाने से भूख शांत हो जाती है और एनर्जी भी बढ़ती है। नंबर छः, दोस्तों केला पोटाशियम के साथ साथ शुगर और फाइबर और आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए खिलाड़ियों की पहली पसंद केला ही होता है। नंबर सात, कुछ अध्ययनों में पता चला है कि केला डिप्रेशन को भी ठीक करता है। जब भी आपका मूड खराब हो तो केला खा लीजिए, आपका डिप्रेशन में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। नंबर सात, दोस्तों कुछ लोग केले को पकाने के लिए दवाइयों या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। केले को आमतौर बर्फ में भी पकाया जाता है। नंबर नौ, दोस्तों कहा जाता है कि छोटी छोटी काली बिंदियों वाला केला खाने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। नंबर दस, माना जाता है कि केले की 1,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी किस्म की होती हैं, कुछ बहुत छोटी, कुछ मीठी होती हैं और कुछ फीकी। दोस्तों कहीं कहीं पर केले का उपयोग सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में भी केले की बहुत मान्यता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।